हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग टर्टल्स पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घरों में सुखी एवं स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज मैं आपके लिए क्या लेकर के आया हूं, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम कवर करने वाले हैं स्टॉक्स स्क्रीनर और साथ में हम एक फ्री टूल चार्टिंग एक स्क्रीनर है जो वेब पे इजिली अवेलेबल है। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप उसको डे टू डे अपने स्टॉक सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, दिस लेक्चर, ये वाला लेक्चर एक नॉर्मल लेक्चर नहीं है। इस लेक्चर में बेसिकली मैंने अपना जो हमारा डेली क्लास का जो हमारा डेली बेसिस पे होता है फ्रॉम 10:30 to 11:30 वो वीडियो मैंने इसके बाद अटैच किया है और आप देख सकते हैं कि किस टाइप का क्वालिटी कंटेंट हम अपने क्लासेस में डिलीवर करते हैं। तो मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। प्लीज स्किप मत कीजिएगा, एक बार वीडियो को एंड टू एंड जरूर देखिएगा। स्क्रीनर से रिलेटेड इस वीडियो के बाद मैं डेफिनेटली गारंटी देता हूं कि एक सिंगल डाउट आपके मन में नहीं बचेगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं। हम जो अगला एग्जाम्पल देखने वाले हैं, हमें वो स्टॉक ढूंढना है जो स्टॉक हमारा स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल के केस में काम आए। स्ट्रैडल स्ट्रैंगल के केस में कौन काम आ रहा है, सीधी सी बात यह है कि मेरे को ब्रेकआउट चाहिए, अनसर्टेनिटी चाहिए, अनसर्टेनिटी प्राइस एक्शन से रेंज होता है, यही होता है। इवेंट से पहले हमेशा मार्केट रेंज में आती है, ऐसा कुछ होना। लेट अस से टाटा स्टील का क्वार्टरली रिजल्ट आना है, अब वो क्या आएगा क्या नहीं आएगा बाहर तो मार्केट में नहीं पता किसी को, तो उस समय मार्केट में क्या बाय सेल चल रहा होगा, इंडिसीजन है ना मार्केट में। तो जब इंडिसीजन आएगा तो क्या होगा, एक अपर बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी, एक लोअर बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी, उसी में बायर सेलर दोनों आराम से बैठे रहेंगे। जब वो प्राइस ऊपर आएगा तो उनको वो अट्रैक्टिव सेलिंग प्राइस लगेगा, तो अपने शॉर्ट ऑर्डर ऊपर की तरफ लगाते रहेंगे, ऐसे प्राइस नीचे आएगा तो बायर्स अपने बाय ऑर्डर नीचे की तरफ लगाते रहेंगे। बट लेट अस से कि अब आज ही 2 बजे टाटा स्टील का क्वार्टरली रिजल्ट आ गया। अब वो क्वार्टरली रिजल्ट बड़े इन्वेस्टर्स की नजरों में नेगेटिव है, क्या होगा, वो तो दबा के शॉर्ट मार देंगे उसी टाइम पे। तो बायर्स क्या करेंगे, बायर्स अपनी पोजीशन छोड़ेंगे, वो भी शॉर्ट करेंगे, तो इसीलिए ब्रेकआउट शार्प होते हैं। तो स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल के केस में मुझे क्या चाहिए, मुझे ब्रेकआउट चाहिए ना, मेरी प्राइम कंडीशन ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट से पहले क्या क्या होना चाहिए, इनडिसीजन होना चाहिए। तो rather than waiting for events या किसी और डेटा पे रिलाय करने के लिए, भाई हम किसी और डेटा पे रिलाय करने जाएं, हमारा डेटा सेल्फ सफिशिएंट है ना, वो हमें सारी कंडीशंस तो बता देता है, इट इज वी कि हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए। कहानी क्लियर है इतनी। तो अब हम एक ऐसा स्क्रीनर बनाने जा रहे हैं जो बेसिकली मुझे क्या देने वाला है, मुझे वो देने वाला है कि मेरा स्टॉक इस समय पे रेंज में है या नहीं है। एक बेसिक थ्योरी समझ लें इसके पीछे कि इसको हम सेलेक्ट कैसे करने वाले हैं। ये जो आर्कोन करके स्टॉक है, अगर मैं इस सेक्शन को कंफर्टेबली देखूं, इस सेक्शन को, मैं यहां पे क्या ये कंडीशन नहीं लगा सकता, मैं आज यहां पे हूं आज मैं यहां पे बैठा हूं, और आज यहां पे बैठने के बाद मैं ये बोलता हूं कि मुझे वो स्टॉक फाइंड आउट करके दे जिस स्टॉक में मेरा अभी का जो क्लोज प्राइस है वो 5 दिन पहले के हाई से छोटा है। बात समझ में आई मैंने क्या बोला, ये प्राइस क्या है इस कैंडल के ऊपर का, सबसे ऊपर का प्राइस, ये क्या प्राइस है, ये हाई प्राइस है ना। मैं बोल रहा हूं कि मेरा डेली में जो क्लोज प्राइस है वो 5 दिन के हाई प्राइस से छोटा होना चाहिए, और इसी तरीके से मेरी आज की कैंडल का जो लो प्राइस या ओपन प्राइस है वो 5 दिन की कैंडल के लो प्राइस से छोटा होना चाहिए, सॉरी बड़ा होना चाहिए, जो ही कंडीशन है। आज कैंडल मतलब 5 डेज अगो वाली कैंडल, हाँ, लो प्राइस बड़ा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए, नीचे की तरफ होना चाहिए पिछले वाले लो से या ऊपर होना चाहिए। नहीं, अगर मैं बोल रहा हूँ आज का ओपन प्राइस, आज का ओपन प्राइस शुड बी ग्रेटर देन 5 दिन से पहले का लो। अच्छा, सिर्फ जो आज की कैंडल है उस सिर्फ
उसके ओपन को ही हम 5 दिन पहले वाले कैंडल के ओपन और क्लोज से कंपेयर कर रहे हैं सर। लिख के बताता हूँ। समझ में आई? लेटेस्ट क्लोज लेस देन 5 डेज एगो हाई और लेटेस्ट ओपन ग्रेटर देन 5 डेज लो एगो लो, ठीक है ना? मिड कैप 50 पे स्कैन करके देखते हैं, ये सारे स्टॉक आ गए। माइंड्री होल के देख लेते हैं, बढ़िया स्टॉक है। पर एक 5 डेज का जो आपने कंडीशन लगाई है, ये तो मतलब बीच में अगर कोई कोई ऐसी कैंडल ऊपर या नीचे क्लोज हुई होगी वो तो वो नहीं बताएगा, 5 दिन पहले के साथ कंपेयर करेगा ना आज का। उसमें मतलब जो बीच में ड्यूरेशन आई है 5 दिन की, उसमें कुछ ऊपर नीचे क्लोज हुआ होगा तो वो तो वो बताएगा नहीं। हाँ हाँ, तो कुछ काम तो तुम भी करोगे ना। ठीक है, वो काम तुम क्या करोगे, वो काम तुम ये करोगे। अब मैंने 5 डे का लगाया तो मेरे पास ये सारे आए। अब मैं इसी के नीचे 4 डे लगा दूंगा तो और कम हो जाएगा, 3 डे लगा दूंगा और कम हो जाएगा। जब मेरे 4-5 स्टॉक रह जाए उनको स्कैन कर लेना, उसमें 2 डे और 1 डे तो ऑलरेडी फुल फील्ड ही मिलेंगे तुम्हें। सीधी सी बात है, ये मैंने इसको डुप्लीकेट किया, 5 डे का 4 डे कर दूंगा। ठीक है। अब दोबारा स्कैन करूंगा तो नंबर ऑफ स्टॉक घट जाएंगे, अब तेरे ही रहेंगे। अब इंडिया बैंक, बैंक ऑफ इंडिया उठा के देख लो। माइंडट्री समझाता हूँ, अच्छा स्टॉक है बैंक इंडिया, ये तो समझ में आ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, और 4 में भी कंडीशन सारी ट्रू है। इसका ट्रू तो है, ओपन इसका वो वाला नहीं लगाया ना हमने, ये वाली कंडीशन भी तो फिर डुप्लीकेट करोगे। ये वाली कंडीशन कहाँ डुप्लीकेट की तुमने? ये हमारी जो करंट कैंडल है उसका मतलब उसकी बॉडी जो है वो 5th डे वाली बॉडी के अंदर आनी चाहिए। ये इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों कंडीशन का मिला के अगर मैं इस कंडीशन को ना मानू, ये कंडीशन नहीं है अभी, अगर मैं कंडीशन 1 और कंडीशन 3 की बात करूं तो हाँ। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो 5th डे वाली कैंडल है, जो फर्स्ट आज की कैंडल है, वो उसके अंदर होनी चाहिए। हाँ। ठीक है। हाँ। अब मैंने कंडीशन नंबर 2 ऐड की, मैंने सिर्फ हाँ। हाई के ऊपर तो कंडीशंस लगा दी, लो के ऊपर तो कंडीशंस नहीं लगाई अभी। अच्छा, नहीं लगाई ना, तो मुझे ये काम भी तो करना पड़ेगा। ये लगाओगे तो फिर 4th के लिए ट्रू नहीं है वो, फिर 4th के लिए ट्रू हो जाएगा ना, फिर 4 और 5 दोनों के लिए ट्रू हो जाएगा। मेरे को समझ नहीं आया ये। अब आपने ये जो 4 और 5 का लगाया, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी करंट कैंडल है उसकी बॉडी आप उसके अंदर आनी चाहिए, 4th में भी और 5th में भी। हाँ। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो बैंक ऑफ इंडिया मेरा फिर भी आ रहा है, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया में ऑटोमेटिकली वो कंडीशन ट्रू हो रही थी। क्यों ट्रू हो रही थी? ये मेरी 5th डे कैंडल है, इसके अंदर तो ये मेरे को दिख ही रही है। और अगर मैं 4th डे कैंडल की बात करूं तो इसका हाई है, इसके हाई से इसका क्लोज तो कम ही है। हाँ जी। और इसका जो लो है, इसका लो से इसका ओपन भी कम ही है। अच्छा। तो ट्रू है ना? हाँ। ठीक है, अब इसको बाहर निकाल के देख लो, ये रेंज बना रहा होगा भाई साहब। ठीक है। हाँ। मिल गई रेंज। हाँ। अब करो इसको ऑप्शन में दबा के शॉर्ट, क्या कमी है स्टॉक में। राइट, कहानी क्लियर है? हाँ जी। कोई डाउट है? नहीं। चलो, तुम स्क्रीनर के साथ कुछ भी कर सकते हो, मतलब अब अपना दिमाग लगाओ, अपनी कंडीशंस लगाओ, स्टॉक निकालो, एनालाइज करो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। और ये जो भी अपने बैंक इंडियन बैंक जो बैंक इंडिया था, तो इसमें हम जो अपने रेंज मार्क करी है उसमें हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स पे आने का वेट करेंगे, है ना? तो चुके हैं।
इसीलिए तुमने 5 दिन पहले का ढूंढा जिसमें ऑलरेडी आ चुके हो। ये देखो ना, 2 बार प्राइस तो सपोर्ट पे आ गया और 3 बार प्राइस रेजिस्टेंस पे आ गया। नहीं नहीं, अब कोई भी ट्रेड लेना हो हमने, हाँ अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आने का वेट करोगे। स्ट्रैडल या स्ट्रैंगल बनाना बिल्कुल अभी राइट अपॉर्चुनिटी है स्ट्रैडल बनाने के लिए। एनी डाउट्स करें सेशन एंड? हाँ जी, ओके चलो मिलते हैं फिर कल।